हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। जैसे कि आप कचालू की सब्जी बनाते हैं, अरबी पोटैटो यानी, तो उसकी चाट भी बन सकती है जो कि सिंधियों की फेवरेट है। तो देखिए कितनी बढ़िया चाट बनाई है मैंने, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया है, और ये सिंधियों की बहुत बहुत मोस्ट पॉपुलर डिश है। देखिए चलिए टेस्ट करते हैं। माइंड ब्लोइंग। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए इंग्रेडिएंट क्या है। सबसे पहले हमें अरबी पटाटो चाहिए, उनको मैंने अच्छे से वाश कर दिया है। ये मैंने 500 ग्राम लिया है, और प्रेशर कुकर में मैंने 2 ग्लास पानी के डाले हैं, 1 स्पून नमक का डाला है ताकि इसमें नमक का स्वाद आ जाए, नहीं तो फीके फीके लगेंगे। तो अरबी पटाटो हम डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों ये सिंधियों की बहुत स्पेशल डिश है, और बारिश का मौसम आते ही जगह जगह पे आपको ये मिलने लगेंगे। और ये ढक्कन लगा दिया है मैंने, और 1 विस्टल हम लगा लेंगे, और 1 विस्टल भर के हम छोड़ देंगे वहीं पे। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है, प्रेशर कुकर मैंने ओपन कर लिया है ढक्कन, और ये निकाल दिए हैं। तो अब इसको हम साफ़ करेंगे, जो इसके छिलके हैं उतार के साफ़ करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और ये आप चाट एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे, और साथ में ही आपको एक वेजिटेबल और भी डाल सकते हैं जो कि है पोटैटो। और पोटैटो भी आप साथ में ही बॉयल कर सकते हैं। और ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम स्लाइस कट कर देते हैं इसको अच्छे से, और मैं आपको बताती हूँ ये कितने बढ़िया बनते हैं। आपको पता है मार्केट में ये 35 रुपीज़ प्लेट मिलती है, और वो भी आप खाएंगे तो जैसे लगेगा कि खाया ही नहीं है। तो ये 30 रुपीज़ के कचालू आप यानी अरबी पटाटो पूरी फैमिली को भी खिला सकते हैं, अगर इसमें आप 2 आलू भी बॉयल कर देंगे तो। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं चटनी। चाट यानी चटनी के बिना अधूरी है। तो देखिए मैंने मसाला लिया है यानी फ्रेश कोरिएंडर, पुदीना थोड़ा सा मैंने लिया है लाइटली, और इसमें इम्पॉर्टेंट है इमली का पल्प जो कि मैंने पहले ही 10-15 मिनट पहले ही सोक की है। और एक इसमें मैंने ओनियन भी चॉप करके डाला है, थोड़ा जीरा पाउडर है, और 1 लहसुन की कली है, 1/2 स्पून चाट मसाला है। अगर आप इमली नहीं खाना चाहते हैं तो आप इमली की जगह पे मैंगो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कच्ची कैरी की तो सीजन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पुदीना जो मैं डाल रही हूँ ये भी घर का ही है, और मसाला भी मैंने घर पे ही गार्डनिंग किया था वही है, तो मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाऊँगी। तो ये इमली मैंने पहले साफ़ करके धो ली थी, फिर सोक की थी, वो भी डाल देते हैं। और मिक्सी गरम ना हो, चटनी का रंग भी खिला रहे हैं, इसीलिए हम इसमें 2 आइस क्यूब डालेंगे। बस ये बनके रेडी हो गई चटपटी खट्टी चटनी। तो देखिए बहुत बढ़िया कलर आया है। अब जल्दी से बना लेते हैं चाट, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे बहुत पसंद है ये चाट। एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं चटनी को, और दोस्तों अगर आपको थिक लगे तो आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं चटनी में। मैं थोड़ा सा करूँगी क्योंकि कचालू यानी अरबी पटाटो में चटनी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अरबी पटाटो आ गए, और थोड़ा सा हमें रेड चिली पाउडर, नमक और मैंगो पाउडर चाहिए, और जो नमकीन पापड़ी रहती है ना मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और हाँ दोस्तों मैंने पापड़ी भी घर पे बनाई हुई थी, तो आप मेरे चैनल में जाके पापड़ी की वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये एक बॉल में हम पहले अरबी पटाटो की बना देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला, मैंगो पाउडर डाला, और हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ये तीखी नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है, आप चाहे तो तीखी वाली भी हल्की सी डाल सकते हैं। अब बारी आती है इसमें चटनी डालने की, जो कि बहुत ही चटपटी रहती है। और आप जब भी अरबी पटाटो घर पे लाए तो ये ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली में एक बार खाएंगे तो आपसे बार बार मांगने लगेंगे यही चाट। तो देखिए अब चटनी के बाद हम इसको
नमकीन पापड़ी को अच्छे से पूरा क्रश करेंगे और अरबी पटाटो में डाल देते हैं चाट के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप उसको गार्निश कर सकते हैं। ये रेडी हो गई हमारी चटपटी अरबी पटाटो चाट। अब दूसरी प्लेटिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें मैं साथ में ऐड करने वाली हूँ आलू यानी पोटैटो। मेरे पास आलू बॉयल ऑलरेडी थे और ये ले लिए मैंने एक प्लेट में अरबी पोटैटो और नॉर्मल वाले पोटैटो। तो इनके ऊपर भी हम वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मैंगो पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा नमक, और साथ में ही हम डालेंगे चटनी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चटनी में कोई भी खटाई स्किप करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको दही पसंद है तो साथ में आप दही भी पूरी मैश करके डाल सकते हैं अच्छे से। तो ये रेडी हो गई हमारी आलू कचालू चाट, जो कि बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है। और इसके ऊपर भी हम पापड़ी गार्निश कर देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का मैं फ्रेश कोरिएंडर भी डाल दूंगी। और सबसे बढ़िया बात तो क्या है, आपको पता है ये खाने में एकदम लाइट है, आप जितना खाओगे ना आपका मन ही नहीं भरेगा। तो ये देखिए, दोनों ही रेडी हो चुकी है प्लेटिंग। तो चलिए, मैं तो चली इंजॉय करने। रेसिपी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में ही घंटी के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। बाय, टेक केयर, इंजॉय कीजिए। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।